प्यारे बच्चों, आज हम शेमोशी के द्वितीय पाठ स्वर्ण काकह को प्रारंभ करते हैं। किसी गांव में एक बूढ़ी औरत रहती थी और उसकी एक विनम्र और मनमोहक बेटी थी। एक बार माँ ने थाली में चावलों को डालकर बेटी को आदेश दिया, सूर्य की धूप में चावलों को चिड़ियाओं से रक्षा करो। कुछ समय के बाद एक विचित्र कौवा उड़कर उसके पास आ गया। ऐसे सोने के पंखों वाला और चांदी के चोंच वाले कौवे को उसने पहले नहीं देखा। उसको चावलों को खाते हुए और हंसते हुए देखकर बालिका रोने लगी। उसको हटाते हुए उसने प्रार्थना किया, चावलों को मत खाओ, मेरी माँ बहुत गरीब है। सोने के पंखों वाला कौवा बोला, चिंता मत करो, सूर्योदय से पहले गांव के बाहर पीपल पेड़ के नीचे तुम आ जाना, मैं तुम्हें चावलों का कीमत दूंगा। प्रसन्न बालिका नींद को भी प्राप्त नहीं किया, सूर्योदय से पहले ही वहां उपस्थित हो गई। पेड़ के ऊपर देखकर उसने और वह आश्चर्यचकित हो गई कि वहां सोने का महल है। जब कौवा सोकर जागता है तब उसने सोने के खिड़की से कहा, अहो बालिका, तुम आ गई, ठहरो, मैं तुम्हारे लिए सीढ़ी उतारता हूँ। इसलिए कहो, सोना, चांदी या तांबे का सीढ़ी? कन्या ने कहा, मैं गरीब माँ की बेटी हूँ, तांबे के सीढ़ी से ही आऊँगी, परंतु सोने की सीढ़ी से वह स्वर्ण भवन को चढ़ गई। लंबे समय तक भवन में चित्र विचित्र वस्तुओं को सजे हुए देखकर वह आश्चर्यचकित हो गई। थके हुए उसको देखकर कौवा ने कहा, पहले नाश्ता कर लो, कहो तुम सोने के थाली में भोजन करोगी या चांदी या तांबे के थाली में? बालिका बोली, तांबे की इस थाली में ही मैं गरीब भोजन करूंगी। तब वह आश्चर्यचकित हो गई जब सोने के कौवे ने सोने की थाली में भोजन परोसा। ऐसा मीठा भोजन आज तक बालिका ने नहीं खाया। कौवे ने कहा, हे बालिके, मैं चाहता हूँ कि तुम हमेशा यहाँ ही रहो, परंतु तुम्हारी माँ तो अकेली है, अतः तुम जल्दी ही अपने घर जाओ। ऐसा कहकर कौवा कमरे के अंदर से 3 संदूक निकालकर उसके पास रख दिया। कहा, हे बालिके, इच्छा के अनुसार संदूक 1 उठा लो। छोटे संदूक को लेकर बालिका ने कहा, इतना ही मेरे चावलों का कीमत है। घर आकर उसने संदूक को खोला, उसमें कीमती हीरों को देखकर वह खुश हो गई और उस दिन से धनी बन गई। उसी गांव में एक दूसरी लालची बूढ़ी औरत रहती थी, उसकी भी एक बेटी थी। ईर्ष्या से वह उस सोने के कौवे के रहस्य को जान गई। सूर्य की धूप में चावलों को डालकर
उसने भी अपनी बेटी को रक्षा के लिए नियुक्त कर दिया। ठीक उसी प्रकार से सोने के पंखों वाला कौवा चावलों को खाते हुए उसको भी वैसे वहीं पुकारा। सुबह वहाँ जाकर वह कौवे को डांटती हुई कहती है, हे नीच कौवे, मैं आ गई, मुझे चावलों का कीमत दो। कौवा कहता है, मैं तुम्हारे लिए सीढ़ी उतारता हूँ। इसलिए कहो, सोना चांदी या तांबे का सीढ़ी? अभिमानी बालिका ने कहा, सोने के सीढ़ी से ही मैं ऊपर आऊँगी। परंतु सोने के कौवे ने उसके लिए तांबे का सीढ़ी ही दिया। सोने का कौवा उसको भोजन भी तांबे के बर्तन में ही कराया। वापस लौटते समय सोने के कौवे ने कमरे के अंदर से 3 संदूक उसके सामने फेंक दिया। लालची वह बहुत बड़े संदूक को ले लेती है। घर आकर वह तुरंत जब संदूक को खोलती है, तभी उसमें भयानक काले सांप को देखती है। लालची बालिका के द्वारा लालच का फल प्राप्त हो गया। उसके बाद वह लालच को छोड़ दिया। धन्यवाद।